नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके इलेक्ट्रिकल चैनल में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आज मैं बताऊंगा आपको टाइमर 8 पिन रिले के बारे में। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइमर 8 पिन के बारे में देखते हैं। दोस्तों आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक सॉकेट है, ये पिन सॉकेट है जिसके अंदर मतलब कि टाइमर को फिट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, टाइमर सॉकेट है ये, मतलब टाइमर का एक तरह से बेस हो गया। और ये आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, ये भी एक टाइमर बेस है, वो डायग्राम है और ये रियली है। इसके अंदर भी इसमें ये 8 पिन का टाइमर है, इसमें 8 होल है और इसमें मतलब कि ये टर्मिनल है, इसमें वायर कनेक्ट होते हैं। ऊपर वाले एनोवेंस, ये नीचे वाले पावर सप्लाई गए हैं और कॉमन पॉइंट है। जो इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको, देखिए देखिए आपको ये टाइमर दिख रहा होगा जिसके अंदर ये 8 और 1 कॉमन पिन है, और 7 नंबर और 2 नंबर ये पावर सप्लाई है। दोस्तों इसमें अपन एक पावर सप्लाई देंगे, इसमें ये 220 वोल्टेज का टाइमर है, इसमें 220 वोल्टेज सप्लाई देंगे, एक फेस और न्यूट्रल का। ठीक है दोस्तों, और 8 और 8 नंबर 1 नंबर कॉमन पॉइंट है, 5 6 4 3, ये 3 4 5 6, ये एन सी एन ओ का पॉइंट है, इसमें से 6 नंबर एनओ है, 3 नंबर एनओ है, चार और पांच नंबर एन सी है। दोस्तों ये क्या है कि डायग्राम लिखने में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इसको अवॉइड करें। ये वो पांच पांच नंबर और 4 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, एन सी पॉइंट है। ठीक है, 6 नंबर और 3 नंबर है दोस्तों, वो एनो पॉइंट है, ये लिखने में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए सात 7 और 2 नंबर में सप्लाई दी जाएगी दोस्तों। इसमें पावर सप्लाई, जैसे हम 220 वोल्टेज का टाइमर है तो 220 वोल्टेज का सप्लाई देंगे, और डीसी वोल्टेज, डीसी टाइमर है तो उसमें डीसी डीसी सप्लाई देंगे, 24 वोल्टेज डीसी। जरूरी नहीं ये 220 ठीक है वोल्ट है, दोस्तों, ये आप देखिए 24 इसमें वोल्टेज डीसी 24 वोल्टेज डीसी में, आप डीसी सप्लाई में अब डीसी टाइमर लगाते हैं। आई होप मुझे आप मुझे आप होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं आज को बताऊंगा इसका वायरिंग डायग्राम, अभी मैंने आपको बताया, इसका आगे मैं ये आप देख टाइमर लीजिए की जो ये वायरिंग के सॉकेट बारे में है, ये बताऊंगा, इसका पॉइंट है, तो आप बने रहें वीडियो पे। अभी आपके पास में दोस्तों आपकी वीडियो को देखने इसका के बाद वायरिंग कैसे करते हैं, वायरिंग के बारे में बताएंगे। तो अभी देखने के बाद ये 7 नंबर है जो मैंने फेस में कनेक्ट कर रखा है, ये और दो नंबर को सप्लाई मैंने है न्यूट्रल में कनेक्ट कर रखा है दोस्तों। ठीक है, सप्लाई तो दिया न्यूट्रल इसमें में, क्या होगा, इसमें ये इसमें अपन देंगे यहाँ 7 और 8 सॉकेट को मैंने का। कॉमन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसमें कॉमन कर ही दिया है, और इसमें इसमें जैसे कॉमन पॉइंट देख देंगे लो आप, अपन ये एक इसमें, सॉकेट है, उसी हिसाब से सॉकेट में भी इसमें अपन एक वायर सप्लाई कनेक्ट कर आई देंगे। ठीक है दोस्तों, है, सप्लाई आई है, देखिए अपन यहाँ से अब देखेंगे तो बीच इसमें में हम वायर कनेक्ट सॉकेट करेंगे। के, इसमें ना तो इसमें से इसमें दिया है ना, हाँ, वीडियो पे इसमें अपन बने सप्लाई रहे हैं। देंगे कॉमन पॉइंट के बाद में, और जो इसमें छः अपन इसमें नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, ये एनो पॉइंट है। एनसी पॉइंट एनो पॉइंट से क्या होता है कि जैसे हम टाइमर लगाएंगे, सप्लाई देंगे, तो उसके बाद जैसे एनसी में डायरेक्ट सप्लाई चली जाएगी, और जैसे टाइम जैसे जितना टाइम ऑन होना है वो सीधी एनओ में सप्लाई आएगी। ठीक है दोस्तों, टाइम सप्लाई आएगी। ठीक है दोस्तों, और ये टाइमर ये इसका टाइमर दोस्तों, दिखा रखा है मैंने आपको, बताया टाइमर, ये इसका वायर डायग्राम ये दो है, चार ये हो गया इसका एनसी तीन, पॉइंट कौन सा है, एनओ कौन सा है, सप्लाई का पॉइंट कौन सा है, ये इस पे टाइमर पे सब दिख लिखा हुआ है, कौन से टाइप का टाइमर है, कितने को इस सब पावर रेटिंग क्या है इसकी, हाँ
दोस्तों, इस सब इस पे इंडिकेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। देख रहे हो, ये सप्लाई का है, 7 और 2 नंबर। 7 हो गया इसका, नंबर हो गया इसका, चलो, ये कॉमन है पॉइंट, कॉमन पॉइंट हो गया। और ये इसका एनो पॉइंट है, ये इसका 4 नंबर हो गया, इसका और एनसी इसका ये पॉइंट हो एनसी गया, पॉइंट है, और 3 नंबर हो गया ये इसका इसका कॉमन क्लोज, पॉइंट है, ये है ये एनो क्लोज। पॉइंट तो है, और ये इसका एनसी पॉइंट है। इसको क्या क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, अभी इसको ये ये सब तो टाइमर का देख लो, सॉकेट ये में सब तो ऐसे देख लो, ये फिट इसको हो देख लो, जाएगा। इसको इसमें थोड़ा सा कट लगा हुआ है ऐसे नीचे सेट की है, साइड में, उस हिसाब से ये एडजस्ट वो हो हो जाएगा, जाएगा ये इसका, उसी में फिक्स हो जाएगा सॉकेट में टाइमर। ठीक है, ये कनेक्टर है, इसमें मोबाइल जोड़ेंगे। ये तो तो मैंने हो क्या गया, किया है, ये फेस जो न्यूट्रल मैंने अब ये इसमें इसमें जोड़ लिया है है, दोस्तों, सही है। आपके पास, आपके सामने ही दिख रहा है, 7 नंबर 2 नंबर, 7 नंबर मैंने फेस जोड़ा है, 2 नंबर मैंने न्यूट्रल में जोड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें एक कॉमन दूंगा, 7 से उठा के 8 में जोड़ूंगा, वो कॉमन कॉमन में दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आप, मैं इसको कॉमन में दूंगा सप्लाई। ये देखो, ये मैं टाइट कर लेता हूँ इसको, ये मैंने टाइट कर लिया है। आगे मैं इसमें 8 नंबर में दूंगा, अब 8 नंबर में खोल के मैं 8 नंबर, ये 8 नंबर में कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने 8 नंबर में कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कृपया कर कमेंट में मुझे लिख के बताएं। ठीक है दोस्तों, कॉमन कॉलर दे दिया, फिर कॉन्फिगर के ये बाद अपना में टाइमर हो गया, टाइमर में मैंने एनओ ही दे दिया, सप्लाई दे दी मैंने इस टाइमर इसमें, से, सॉरी क्या, कॉमन कॉमन दे दिया। अभी लाइट हमें टाइमर से चलाना है टाइमर से दोस्तों, लाइट चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब टाइमर ये ऑन देखो होगा कितना तो स्पीड अपने है कितने इसका, टाइम बाद में ये लाइट जलेगी, वही अपन को इसमें डायग्राम में मैं बता रहा ये हूँ। स्पीड जो दिख रहा है सिर्फ मैंने इसमें सिर्फ एनओ में सप्लाई दी है, एनसी में नहीं दी है। आगे मैं भी इसको डबल बल्ब से बताऊंगा कि एनसी में कौन सी बल्ब जलती है और एनओ में कब कौन सा बल्ब जलता है, उसके हिसाब से मैं आगे बताऊंगा। अभी तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही एनओ से बता रहा हूँ। एनओ में सप्लाई जाते ही ये टाइमर जितना जितना टाइम बाद में ऑन होगा उसी हिसाब से अपना बल्ब भी ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अभी इसमें इसका जो वायर है इसका, तो मैंने एक इसमें एनओ में जोड़ दिया है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, ये मैंने एनओ में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और एक जो वायर है वो न्यूट्रल का है, जो न्यूट्रल में डायरेक्ट न्यूट्रल में जोड़ दूंगा। इसमें ये देखो दोस्तों, ये बल्ब है, ये जलेगा उस टाइम पे जब ये टाइमर ऑन होगा, और ये कितने टाइम तक इसमें टाइम सेट करेंगे उसी हिसाब से, उसी हिसाब से टाइम सेट करने के बाद में ये टाइमर क्योंकि टाइमर आपको से ये अभी बल्ब ऑन टाइम हो है जाएगा। इस लाइट का, तो मुझे अभी ठीक है निकलना दोस्तों, है। तो ये इसका न्यूट्रल का वायर है, जो जो मैं क्या करता हूँ उसमें न्यूट्रल में लगा रहा हूँ साइड में, जो मैंने न्यूट्रल में दिया था वायर, मैं इस टाइमर के उसमें से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे को कनेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। का वायर में इसमें ठीक है दोस्तों, आई होप ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी नहीं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप वो भी बताएं। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, ये मेरी वायरिंग कंप्लीट इसमें हो गई एक है दोस्तों। वायर ठीक है, है, एक फुल वायर है आगे इसमें, वाली वीडियो में कई मैं दूसरे टाइप से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, ये लेकिन फुल अभी वायर मैं है। इतना ही बताऊंगा, सिर्फ एनओ से सप्लाई, आप ये मेरा जैसे बल्ब को देख ऑन रहे हो, करूँगा, टाइम में जितना टाइम जितना टाइम जो टाइमर है कर रहा हूँ जित उसको सप्लाई देने के बाद में कितनी टाइम बाद में ऑन होना है, वो टाइम मेरे हिसाब से सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ये उसका एनसी पॉइंट था, और ये जो आप डायग्राम फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये एनओ है, इसमें बल्ब को कनेक्ट नहीं आता, बल्ब कनेक्ट करके बताऊंगा। ये मैंने बल्ब को कनेक्ट कर दिया है, और ये न्यूट्रल का वायर था, मैंने इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, और अब मैं सप्लाई इसमें यहाँ से सॉकेट कनेक्ट करके इसको ऑन कर रहा हूँ। जैसे ये ऑन हो गया टाइमर, अब जैसे इस टाइम में जितना ही टाइम के हिसाब से ऑन होगा तो लाइट ऑन हो जाएगी।
देखो उस हिसाब से लाइट ऑन हो गई, ठीक है। जितना टाइम आप सेट करोगे उसी हिसाब से, उस जितने टाइम से मतलब 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट बाद में ही आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, 15 सेकंड बाद में, तो 15 सेकंड बाद में आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। उसी हिसाब जितना टाइम आप सेट करोगे उसी हिसाब से आपकी टाइम ये लाइट ऑन हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा कम सेट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं इसको चालू करूँगा तो मैंने कम किया है तो जल्दी जल्दी लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ऑन किया, ये देखो दोस्तों, ये मैंने बहुत ही कम टाइम सेट कर कर फटाफट ऑन हो गई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जो छः छः नंबर और 5 नंबर था वो मेरा एनसी पॉइंट है, गलती से एनओ लग गया था, उसके लिए सॉरी। और मेरा 6 और 3 नंबर है ना वो एनओ पॉइंट है, वो एनसी पॉइंट नहीं है, सिर्फ एनओ पॉइंट है दोस्तों।